ये इतना छोटा बच्चा जो जिसके मुंह से ये निकले कि मुझे शिक्षा चाहिए, और वो भी उस धरती से जो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली धरती है, नालंदा। बिल्कुल, यहाँ से हमारा जो नालंदा का इतिहास है, आप अगर पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास यहाँ से ही जुड़ा है, यहाँ से ही विकसित हुआ है। ताकि नीतीश कुमार जी को तो पता ही नहीं था कि ये बच्चा बोलने क्या जा रहा है, इसने वो अंधेरे को चीर करके एक रास्ता खुद ढूंढा है। पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं, पढ़ाई उसके पेरेंट्स करवाते हैं, पर इनमें, इस बच्चों में जो पढ़ने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं अंधेरे को चीरते हुए, वो ये भी नहीं चाहता, जान रहा था कि वो नीतीश कुमार जी से बात कर रहे हैं। अपना खुद का प्रोटोकॉल तोड़ के मैं इस बच्चे से मिले, इससे मुलाकात कर कैसा लगा आपको? दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके पैतृक गांव कल्याण बिघा में शिक्षा का अधिकार एक मासूम मांग रहा था। जी हां, वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ और वह सोनू आज पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। उसके पैतृक गाँव नीमाकोल में मिसेज इंडिया 2021 की विनर बबीता मिश्रा उसके गांव पहुंचे हैं, उस सोनू से मुलाकात कर उसके हौसले को बढ़ाया है। इस वक्त हमारे साथ बबीता मिश्रा मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम, जनादेश न्यूज में आपका स्वागत है और नालंदा की धरती पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने इतना मान सम्मान दिया। यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं, चूँकि मैं भी मिसेस बिहार रह चुकी हूँ और प्रेजेंट में रूबरू मिसेस इंडिया हूँ, तो मुझे नहीं लगा, जब मैंने इस बच्चे के अंदर वो बात देखी, जब मैंने इसका न्यूज़ देखा एक छोटे से पोर्टल पे, जब हमने इसका न्यूज़ देखा तो मैं दिल्ली में थी, मैंने और मुझे भी कॉल आया कि मैम इससे मिलना चाहिए, तो मेरे दिल में भी वो बात आई कि मैम मेरे बिहार में तो वो बात है ही, मेरे बच्चे शिक्षा के माध्यम से, वो भी ये इतना छोटा बच्चा जो जिसके मुंह से ये निकले कि मुझे शिक्षा चाहिए, और वो भी उस धरती से जो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली धरती है, नालंदा। बिल्कुल, यहाँ से हमारा जो नालंदा का इतिहास है, आप अगर पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास यहाँ से ही जुड़ा है, यहाँ से ही विकसित हुआ है, पर आज लुप्त होने के कगार पे है। और बच्चे जो आज ये बात उठाएं, वो एक इनोसेंसी में उठाए हैं, और उस इनोसेंसी का ये कारण था कि नीतीश कुमार जी को तो पता ही नहीं था कि ये बच्चा बोलने क्या जा रहा है, और इसने अपनी शिक्षा का अधिकार मांगा, और उस लेके इसमें भी वो बात थी कि उसने ये डरा नहीं कि मेरे पापा हमें मारेंगे, मैं ये कहूँगा कि मेरे पापा दारू पीते हैं, मेरी मम्मी ठीक से वो पढ़ नहीं पाता है, अपनी बातें रखने के लिए वो इतना ललायत था। पैदल जाना, उस बच्चे को साइकिल से एक जगह नहीं मिला, दूसरे जगह से तीसरे जगह, लगातार ये प्रयासरत था, मतलब शहर के बच्चे नहीं कर सकते। मुख्य अच्छा एक सवाल हमारा आपसे है, मुख्यमंत्री जी से आप कभी रूबरू हुए हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री जी से नहीं, मुझे बहुत सम्मानित किया गया है, लेकिन अभी तक हमने उनसे रूबरू नहीं हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, अभी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ इंटरनेशनल। लेकिन ये 11 साल का बच्चा मुख्यमंत्री जी से बेहिचक निडर होकर के मिला, जो कहीं ना कहीं इसके हौसले को तो एक उड़ान देने की कोशिश करी, इसने वो अंधेरे को चीर करके एक रास्ता खुद ढूंढा है। पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं, पढ़ाई उसके पेरेंट्स करवाते हैं, पर इनमें, इस बच्चों में जो पढ़ने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं अंधेरे को चीरते हुए, वो ये भी नहीं चाहता, जान रहा था कि वो नीतीश कुमार जी से बात कर रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं वो। वो बिहार को, आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भी बिहारी हूँ, चूँकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा अधिकतर दिल्ली में रहना होता है। मैं दिल्ली से न्यूज़ देख रही थी और मुझे गर्व हुआ कि ये बच्चा, नालंदा का एक छोटा सा बच्चा, मेरे को भी टच कर गया। मैं फ्लाइट से आई, मैंने कहा कि मैं इससे मिलूंगी, और मैं इसके बगैर, बिना, मैं किसी से मिलती तक नहीं, क्योंकि मेरा एक प्रोटोकॉल होता है
लेकिन मैं इसके लिए खुद बिना अपने खुद का प्रोटोकॉल तोड़ के मैं इस बच्चे से मिली। इससे मुलाकात कर कैसा लगा आपको? इसके अंदर जो प्रतिभा है ना, इतना छोटा सा बच्चा जो 11 साल का, मुझे तो 11 साल का भी नहीं दिखता है, मुझे तो लगता है कि जैसे 9 या 10 साल का हो सा। मैम एक सवाल हमारा ये है, बिहार के बच्चे या पूरे देश में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं गरीबी में अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और वो गरीबी के कारण अपने आप में उन्हें अवसाद की भावना ग्रसित हो जाती है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि भाई हम गरीब हैं, बड़े घर के बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े स्कूल में। और ठीक उसी तरह सोनू के साथ भी हालात हुआ है जो इन्होंने कहा कि हमें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाए। तो क्या लगता है कि गरीबी के कारण बच्चे की पढ़ाई टूट रही है, इस पर सरकार को किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए? देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, इस नो डाउट। लेकिन अगर फिलहाल या अगर देखा जाए ना, तो गांव के बच्चे वो पीछे रह जाते हैं। शहर के बच्चों के साथ पेरेंट्स हैं, शिक्षित हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा देते हैं। उनके अंदर रहता है कि नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं कुछ हूँ, मैं एक चपरासी भी हूँ तो मेरा बेटा DM बने, ये थॉट रहता है उन लोगों का। लेकिन गाँव के लोगों के पास इतने पैसे होने के, अगर होते भी तो उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, गांव में ये सुविधा नहीं होती, उनकी मजबूरी होती है गांव से निकल के बाहर आना बस। और सरकार जितनी भी शिक्षाएं चाहे गांव के बच्चों को दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना, जहां तक मुझे पता है कि मिड डे मील भी सरकार ने प्रोवाइड किया है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका फ़ायदा जो नीचे के पदाधिकारी वो उठाते हैं, वो वहाँ उस बच्चे को नहीं दिया जाता है, उस बच्चे के जो उसको जो चाहिए वो नीचे के पदाधिकारी खा लेते हैं, इसी कारण उसके टीचर खा लेते हैं। इसी कारण सोनू IAS बनने का ठान लिया है। बिल्कुल, और उसने एक जिद रखी जो हर बच्चे नहीं, उसने उस हर बच्चे की आंखें खोली है कि तुम भी अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हो। जिस तरह मैं आज अंधेरे को चीड़ करके भी मैं उनसे मिलने गया, उसने ये नहीं सोचा कि उनके साथ इतनी सिक्योरिटी रहती है, मतलब गार्ड्स रहते हैं, वो मिलने देगा या नहीं देगा, इवन कि उनको धक्के मार के निकाल दिए जाए, उसने ये नहीं सोचा, उसके अंदर कोई डर नहीं था। उसने सोचा कि आज जो होगा देखा जाएगा। आप बिहार की बेटी हैं, सोनू को देखकर बिहार के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि एक बच्चे ने, चाहे वो शहर के बच्चे हो चाहे गाँव के बच्चे हो, आपको गांव के बच्चे भी आपको उतनी ही टैलेंटेड है जितना कि शहर के बच्चे, सिर्फ उन बस एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है जो सोनू ने दिखाया। और गॉड, क्या कहूँ मैं, गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम इसी तरह आगे बढ़ो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके जरिए लोग और आपके समाज आपको जान रहे हैं, ये बड़ी बात है। आज तुमने वो कर दिखाया, शायद बिहार के बच्चों में वो को आप मोटिवेट कर रहे हो, आप एक मोटिवेशन के रूप में जाने जाओ। आई लव यू सो मच। तो ये हमारे साथ मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाज में बच्चों को एक विशेष राह दिखाने की आवश्यकता है जो सोनू ने करके दिखाया है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।